नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फोर्न जेडीयू से विधायक रहे सुनील पांडे कल जेल से रिहा हो चुके हैं पूरे नौ महीने के बाद वो जेल से बाहर निकले हैं उनको लेने के लिए उनके भाई पहुंचे थे साथ ही साथ उनकी आवाज पर जब इस बात की जानकारी हुई कि सुनील पांडे जेल से निकल कर रिहा होकर बाहर आ रहे हैं तो उनकी आवाज पर भी भारी मात्रा में भीड़ जो है वो देखने को मिली आपको बताते चले की पूर्व विधायक सासाराम मंडलकारा में लगभग नौ महीने बिताने के बाद रिहा हुए हैं उनकी रिहाई के बाद पूर्व विधान पार्षद के छोटे भाई हुलास पांडे पांडे उन्हें लेने गए थे जेल से बाहर आते ही सुनील डेहरी स्थित अपने आवास के लिए रवाना हो गए बताते चले कि सुनील पांडे की रिहाई इलाहाबाद कोर्ट से बेल मिलने के बाद हुई है वहीं गाड़ियों के काफिले के साथ जब वो डेहरी पहुंचे तब तक उनकी रिहाई की खबर फैल चुकी थी बड़ी संख्या में उनके समर्थ उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई देने वहीं आपको बता दें कि सुनील पांडे की रिहाई ऐसे समय हुई है जब बिहार में बड़ा सियासी खेल शुरू होने वाला है ऐसे में सुनील पांडे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं पूर्व विधायक ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर अपूर्ण विश्वास है कहा है कि जेल से बाहर आते ही ओडिशा की बड़ी रेल दुर्घटना की जानकारी मिली दुर्घटना के पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी असंवेदना व्यक्त करता हूं पूर्व विधायक सुनील पांडे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिर्जापुर से अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था वे मिर्जापुर के अष्टभुजा के दर्शन करने 14 अगस्त 2022 हजार बाईस को विध्याचल गए थे उसी दौरान मंदिर में दर्शनार्थियों के बीच विवाद हुआ था उस दौरान पचहत्तर साल के कन्हैया प्रसाद को गोली मारकर कुछ लोग मौके से फरार हो गए थे घटना के बाद विंध्याचल कोतवाली ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया मामले में पुलिस ने की और में कारा में लाए गए बेल मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ गए लगभग नौ माह के बाद उनकी वापसी पर समर्थकों को खुशी है तो जहां एक तरफ जडीयू के विधायक रहे पूर्व विधायक सुनील पांडे की रिहाई हो चुकी है अभी शनिवार को वो रिहा होकर जेल से बाहर आ चुके हैं जहाँ एक तरफ उनकी रिहाई के बाद कहीं ना कहीं नजर आ रही है, है कि में जो रेल दुर्घटना हुई है उसके लिए मैं वहां के लोगों को संवेदना व्यक्त करता हूँ साथ ही साथ आपको बताते चले कि पूर्व विधायक के आने की जब बात उनके आवास पर पहुंची जब उनके करीबी उनके समर्थकों के पास पहुंची तो भारी मात्रा में लोग उनसे मिलने आगे फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्निश